सो ही गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका और एक गेमिंग न्यूज़ के फ्रेश एपिसोड में, जहाँ पे मैंने आपके लिए ये बहुत ही कमाल की गेमिंग न्यूज़। तो ये है पार्ट 94, सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे गेमिंग रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए। तो पहले न्यूज निकल के आ रही है साइबरपंक 2077 गेम की तरफ से। तो साइबरपंक 2077 के सीईओ एंड मैनेजमेंट टीम का ये कहना है कि गेम जो है वो काफी सेटिस्फैक्टरी लेवल पर आ चुकी है एंड काफी हद तक स्टेबल एंड ऑप्टिमाइज हो चुकी है पैच अपडेट्स रिलीज करके। एंड अभी टीम जो है वो इन गेम अपडेट्स पर फोकस करेगी और साइबरपंक 2077 गेम प्ले स्टेशन स्टोर के ऊपर फिर से लिस्टेड हो चुका है। तो अगर आपको इस गेम को खरीदना होगा तो आप इसको खरीद सकते हो क्योंकि गेम जो है वो काफी हद तक स्टेबलाइज हो चुकी है अभी। तो अगले निकल के आ रही है कंट्रोल गेम की तरफ से। तो कंट्रोल गेम के डेवलपर्स रेमेडी एंटरटेनमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि कंट्रोल गेम का मल्टीप्लेयर मोड, जिसका कोड नेम है कोंडोर, जो कि एक 4-player कोऑप मल्टीप्लेयर मोड होने वाला है, वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो इस मल्टीप्लेयर मोड के लिए रेमेडी एंटरटेनमेंट ने कोलैबोरेट किया है 505 गेम के साथ। तो अभी फिलहाल गेम डेवलपमेंट फेज में है तो आपको जल्द ही कंट्रोल गेम का एक न्यू मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिल जाएगा। तो अगले रोज निकल के आ रही है प्लेस्टेशन की तरफ से। तो अगर आपके पास प्लेस्टेशन प्लस की मेंबरशिप होगी तो आपको हर महीने कुछ फ्री में गेम्स देखने को मिल जाते हैं। तो जुलाई मंथ का लाइनअप आ चुका है जिसमें आपको इन टोटल 4 गेम्स टोटली फ्री में मिल जाते हैं, जिसमें फर्स्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4, सेकंड गेम है WWE 2K बैटलग्राउंड्स, थर्ड गेम आपको अ प्लेग टेल इनोसेंस और फोर्थ गेम आपको वर्चुअल फाइटर 5 अल्टीमेट शोडाउन। तो ये चारों भी गेम्स आपको प्लेस्टेशन मेंबरशिप के साथ फ्री में देखने को मिल जाता है इन मंथ ऑफ जुलाई। तो अगले निकल के आ रही है पबजी पीसी गेम की तरफ से। तो पबजी पीसी गेम के अंदर एक अपडेट आ चुका है जो कि अपडेट 12.2, जिसमें कि आपको एक न्यू 8x8 मैप देखने को मिल जाएगा बाय द नेम टैगो और साथ ही साथ में एक न्यू फीचर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है जो कि है सेल्फ एड, जो कि सिर्फ टैगो मैप एक्सक्लूसिव ही रहेगा। और दो नए वेपन्स भी आ चुके हैं बाय द नेम K2 एंड MK12 और एक न्यू कार भी आ चुकी है जिसका नेम है पोनी कोपे एंड अदर बहुत सारे चीजें भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो अगर आपको फुल पैच नोट्स पढ़ने होंगे तो आप गेम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो और अगर आप PUBG PC गेम खेलते होगे तो आप इस अपडेट को डेफिनेटली डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो अगले रोज निकल के आ रही है अमंग अस गेम की तरफ से। तो जब एपिक गेम स्टोर के ऊपर अमंग अस गेम फ्री में आई थी तब ओवर 15 मिलियन कॉपीज जो है वो क्लेम हुई थी, ऐसा इनर स्लॉट की टीम ने ट्वीट करते हुए कहा है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है इनर स्लॉट और अमंग अस गेम के लिए। तो बढ़ लेते हैं कुछ मोबाइल गेमिंग न्यूज की तरफ। तो पहले न्यूज निकल के आ रही है बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम की तरफ से। तो बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम जो है वो फाइनली 2 जुलाई को रिलीज हो गया ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर। तो आप सभी ने गेम को डाउनलोड तो कर ही लिया होगा। तो आपको गेम रन करने के लिए मिनिमम 5.1.1 एंड्रॉइड वर्जन विद एटलीस्ट 2 GB ऑफ रैम लगेगी एंड अदर इन गेम इवेंट जो है वो लाइनअप है जो कि आप इजीली खेल पाओगे। तो अगले न्यूज निकल के आ रही है फौजी गेम की तरफ से। तो फौजी गेम का TDM मोड रिलीज हो गया है एंड उसके अंदर एक न्यू मैप भी ऐड हो चुका है बाय द नेम ऑफ बाजार मैप, जो कि एक इंडियन सिटी पर ही बेस्ड है। तो अगर आपको क्लोज बीटा खेलने का मौका मिलता है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी गेमिंग न्यूज की सीरीज देखने के लिए या फिर गेमिंग रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। I think the girls with their nails done now.